हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल क्रिकेट ज्ञान पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर दिल से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम के बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज डेविड वार्नर विश्व क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में 24, वनडे क्रिकेट में 18 और अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक शतक लगा चुके हैं। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर बातचीत करते हुए डेविड वार्नर ने क्रिकेट फैंस के कई सवालों के जवाब दिए। जब उनसे एक क्रिकेट फैंस ने पूछा कि विश्व क्रिकेट में इस समय कौन से ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें स्लेजिंग करना आसान नहीं है, इस पर डेविड वार्नर ने सीधे शब्दों में कहा कि विश्व क्रिकेट के ये चार बल्लेबाज ऐसे हैं जो स्लेजिंग का जवाब हमेशा मैदान पर अपने बल्ले से देते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन से हैं ये टॉप चार बल्लेबाज। दोस्तों, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं वेस्टइंडीज टीम के बाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल। डेविड वार्नर के अनुसार, क्रिस गेल जब तक क्रीज पर मौजूद होते हैं मैं उन्हें कभी भी स्लेज नहीं करता, क्योंकि क्रिस गेल ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें स्लेज करने पर वह अपना आपा खो देते हैं और गेंदबाजों पर अक्सर हावी हो जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं टीम इंडिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा। डेविड वार्नर ने कहा, रोहित शर्मा मैदान पर हमेशा शांत होकर ही बल्लेबाजी करते हैं। रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ आप स्लेज नहीं कर सकते, क्योंकि टीम इंडिया का यह बल्लेबाज वनडे क्रिकेट में अब तक 3 दोहरे शतक लगा चुका है। इसमें से एक दोहरा शतक रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी लगाया है। दोस्तों, इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं वेस्टइंडीज टीम के ही दाएं हाथ के तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल। डेविड वार्नर ने कहा, सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते हुए मैंने एक मैच में आंद्रे रसेल के खिलाफ स्लेजिंग की थी। उस मैच में आंद्रे रसेल ने मात्र 18 गेंदों पर 49 रनों की नाबाद पारी खेलकर हमसे यह मैच छीन लिया था। इसलिए आंद्रे रसेल जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ आप स्लेजिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहले नंबर पर आते हैं भारतीय टीम के वर्तमान कप्तान विराट कोहली। डेविड वार्नर ने कहा, विराट कोहली के खिलाफ कोई भी टीम स्लेजिंग करने से पहले कम से कम 10 बार जरूर सोचती होगी। विराट कोहली को स्लेज करने का मतलब है कि आप भालू को छेड़ रहे हैं। भालू को छेड़ने का मतलब अपनी जान के लिए आफत बुलाने जैसा होता है। आप विराट कोहली जैसे बल्लेबाज के खिलाफ स्लेजिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप इन चारों में से सबसे ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाज किसे मानते हैं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें।